दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंगिस्तान, अभी जो रितेश देशमुख और जैकलिन फर्नांडिस की मूवी अभी जो रिलीज हुई है उसके बारे में अपना रिव्यू देंगे। मिस्टर गैरी सुंडा ड्रीमर और मिस्टर कुलदीप जी, तो बताएंगे इनको ऑल अबाउट मूवी कैसी लगी। तो उन्हीं से डायरेक्टली बात करते हैं जो हमारे स्टूडियो में अभी आए हुए हैं। जी मिस्टर गैरी सुंडा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाह। भाई जान, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे मेन मुझे तो एक्टिंग अच्छी लगी है ना भाई जान। जी तो भाई जान, वो एक्टिंग मुझे मस्त लगी है पुलकित सम्राट की। जी यू नो, काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, नेचुरल उनकी एक्टिंग होती है। अल्लाह उनके उनको एक, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से एक छोटे होते हुए भाई उनको पता चल गया भाई हमें एक्टिंग में क्या कर सकता हूँ। जहां तक मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत अच्छे भाई जान वो एक्टिंग करते हैं। ठीक है, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। जैकलिन फर्नांडिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो काफी आजकल पॉपुलर हैं, मतलब देखने में आ रहा है। वो सलमान भाई के साथ उन्होंने की काफी सुपरहिट फिल्में वो दे रही हैं। तो उसका जो सबसे मेन कारण है भाईजान, वो जो है वो एक उनका हार्डवर्क है, और दूसरा सेकंडली क्या है, सेकंडली उनकी खूबसूरती है। खूबसूरती यू नो सर। ओके ओके। हाँ जी हाँ। तो और इस मूवी के जो मेन, मतलब काफी इंटरटेनर और काफी पॉपुलर, मतलब उन्होंने विलन से नॉर्मल रोल से स्टार्ट किया, और आज जो रितेश देशमुख जी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज लीड रोल्स बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, तो उनके बारे में। रितेश देशमुख बहुत अच्छे एक्टर हैं। जी ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है धमाल में उन्होंने क्या किया, बहुत मूवियां आई हैं उन्होंने, तो उनकी तो सारी माशाल्लाह, उनसे तो मैं मानता हूँ भी उनसे ऊपर कोई होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, मेरी यहाँ पे। तो इस मूवी के अंदर आपको मतलब कोई ऐसा उनका एंटरटेनिंग या ऐसा कोई फनी मोमेंट लगा हो? वो जो बोल रहे थे बम के बारे में बता रहे थे ना कुछ, गैस बन रही है, गैस, वो चीज बहुत अच्छी थी। हां ऐसे करके हां बहुत अच्छी थी, काफी अच्छा मोमेंट था वो। अभी तो भी कुलदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? पाकिस्तान इज गुड मूवी इज रिलीजिंग कव दैट सो। इसके बारे में आप कोई मतलब ऐसा मतलब मैसेज आप देना चाहेंगे जो आपको इस मूवी के अंदर लगा हो, ये मैसेज है, तो ये पब्लिक को इस मूवी से मिलता है? आपको सबसे अच्छा इन तीनों में से एक्टर में कौन सा अच्छा लगा आपको? मुझे तो रितेश देशमुख की ही एक्टिंग अच्छी लगी है, बट रितेश देशमुख की, बट फिल्म में तो और भी हीरोज हैं, बट रितेश देशमुख इज बेस्ट। काफी ज़्यादा इस मूवी के अंदर उस्मान का जो रोल किया ना, दाढ़ी मारने और नाप रहेगा, काफी अच्छी, काफी इंटरटेनिंग कॉमेडी, एक्शन काफी, मतलब डांस वगैरह सॉन्ग्स वगैरह काफी सुपर हिट, अच्छे सॉन्ग्स हैं इसके। कॉमेडी आई थिंक लगती है इसमें, थोड़ा भी लगता नहीं है वैसे, है उनकी शक्ल से लगता है ना। हाँ ये चीज वो अपनी इस खूबी के लिए ही वो आज यहाँ पे है। तो अभी वो आप कुछ और कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो फाइनली आपके पास भाईजान यही बोलना चाहेंगे हम, तो बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई करेगी ये फिल्म, जिस टाइम चल रही है जैसे चल रही है, तो अच्छी कमाई करेगी इस टाइम। बाकी हमारे बड़े भाई साहब ने आपको बता दिया, एक्टिंग पे डिपेंड करता है, एक्टिंग है। ओके थैंक यू कुलदीप जी, आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच, और आपने अपना रिव्यू दिया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज़ जी। आगे क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, सॉरी। खुदा हाफिज़। ओके, और थैंक्स रितेश देशमुख जी, आप जैसे देख पा रहे हैं आप धड़ाधड़ मतलब अच्छी अच्छी मूवी दे रहे हैं, तो भगवान से दुआ करेंगे कि इसी तरीके से इन फ्यूचर आप जो है हमें एंटरटेन करते रहें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, हमारे धर्म